हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं सिक्वेंसिंग का। ठीक है, व्हाट इज सिक्वेंसिंग और सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम हमें सॉल्व कैसे करनी है। शुरुआत में हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, ग्रेजुअली से उनका कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। ओके, सपोज टू मशीन। अभी एग्जाम्पल में मेरे सिर्फ दो मशीन है, एक कटिंग मशीन ए और स्विंग मशीन बी। ठीक है, मशीन ए जो है वो कटिंग का काम करती है, ठीक है, और मशीन बी जो है सिलाई का काम करती है, स्विंग मशीन। ठीक है, इन द ऑर्डर ए बी, पहला ए होता है, फिर पहला ए में प्रोसेस होगा, फिर बाद में मशीन बी में प्रोसेस होगा। ये ऑर्डर है मशीन में प्रोसेस करने का। ठीक है, द मशीन कैन हैंडल ओनली वन जॉब एट अ टाइम। और जब मशीन जब चालू है तो वो एक ही काम एक टाइम पे कर सकती है। एंड द टाइम टेकन इन आवर्स बाय द मशीन टू कम्प्लीट द जॉब इज गिवन बिलो। और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल हम लोग टू वर्क्स देख रहे हैं। कितने देख रहे हैं स्टूडेंट? टू वर्क्स। मशीन दो है यहाँ पे, मशीन ए और मशीन बी, मशीन दो है, बट वर्क कितने? दो। ये पहला काम, ठीक है, और ये दूसरा काम, करेक्ट। तो पहला काम कंप्लीट करने के लिए मशीन ए में 6 आवर लग जाते हैं और मशीन बी में 3 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है, और दूसरा काम कंप्लीट करने के लिए मशीन ए में 3 आवर्स और मशीन बी में 6 आवर। हर काम अलग अलग होता है ना स्टूडेंट, कहीं पे कटिंग में ज़्यादा टाइम चली जाती है, कहीं पे सिलाई में ज़्यादा टाइम चली जाती है। ठीक है, तो मशीन, सॉरी, आइटम वन में कटिंग में टाइम ज़्यादा जा रहा है और सिलाई बहुत इजीली हो रही है, और आइटम टू में कटिंग बहुत इजीली हो रहा है बट सिलाई का काम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, देर आर टू वे ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब। अभी ये काम कंप्लीट करने में बस टोटल दो काम है। एग्जाम्पल में मैं दो काम से स्टार्ट कर रहा हूँ और मशीन भी दो है। ठीक है, और जब हम सॉल्व करेंगे तो दो काम नहीं, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कई सारे काम्स हो गए। ठीक है ना, तो उससे हमें डील करना है आगे जाके। समझने के लिए हम लोग सिर्फ दो मशीन और दो आइटम से डील कर रहे हैं। आगे कई सारे प्रॉब्लम देखेंगे जहाँ पे मशीन दो होगी बट आइटम्स बहुत सारी होगी, करेक्ट। तो ये समझते पहला, तो ऑर्डर तो अपना फिक्स है मशीन में, पहला ए में काम होगा फिर बी में काम होगा। ठीक है, मशीन में जिस हिसाब से काम होगा वो फिक्स है, पहला ए में काम होके बी में जाएगा। ओके, बट दोनों आइटम्स को बनाने में काम अलग अलग लग रहा है। तो मेरा मेन जो यहाँ पे मोटो स्टूडेंट है यहाँ पे कि मैं कम से कम टाइम में हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट? कम से कम टाइम में मेरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं दोनों ट्राई करके देखता हूँ, पहला ऑर्डर वन प्रोसेस करूँगा फिर ऑर्डर टू प्रोसेस करूँगा। ठीक है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर टू पहले प्रोसेस करूँ फिर बाद में ऑर्डर वन करूँ। तो दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना आता है वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, अगर मैं मेरा नॉर्मल पहला वाला प्रोसेस यूज़ करता हूँ, पहला आइटम वन फिर बाद में आइटम टू बनाता हूँ, तो कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। तो मशीन ए में मैंने जब क्या बोलते हैं मटेरियल डाला, तो अज्यूम करते वो टाइम पे टाइम जीरो था, मतलब पहले कोई टाइम इनकर्ड नहीं हुआ, करेक्ट। तो जो स्टार्टिंग वाला होगा ना स्टूडेंट, हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि हमने काम अब तक स्टार्ट नहीं किया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम, बराबर ना। तो काम स्टार्ट नहीं किया तो टाइम कैलकुलेशन तो होगा नहीं, तो स्टार्टिंग क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। फर्स्ट आइटम का जो टाइम है इन टाइम, वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है, कितना आवर लगा मशीन ए में? मशीन ए में 6 आवर लगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो आउट में 6 आवर्स के बाद में वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, मशीन ए में काम हो गया। अभी वो मटेरियल जाएगा मशीन बी में। ठीक है, जैसे ही काम हो गया वैसे वो मशीन बी में जाएगा। तो मशीन बी में कब आया वो? 6 आवर्स हुआ तब आया। ठीक है ना, और कितना टाइम लगा आइटम वन को मशीन बी में? 3 आवर्स। तो 6 + 3 में 9। तो इस तरीके से पूरा मटेरियल वन बनाने के लिए मुझे 9 आवर्स चले गए। ठीक है, अब मटेरियल टू में क्या हुआ? देखो, जैसे मेरा 6 आवर्स में मटेरियल वन कंप्लीट हो गया तो मैं बैठा नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँगा, फटाक से वो टाइम पे मशीन, सॉरी, आइटम टू कंडक्ट कर लूँगा। ठीक है ना, जैसे मेरा मशीन ए में जैसे मेरा फर्स्ट आइटम कंप्लीट हो गया तो मैं वेट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, आइटम टू को हाथ में ले लूँगा। तो यहाँ पे जो इन टाइम है, आइटम वन का जो आउट टाइम है वो है आइटम टू के लिए इन टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि चला गया आइटम वन चला गया तो भी आइटम टू इन होगा। कब होगा? एक्जैक्टली वही टाइम पे इन होगा। ठीक है ना, 6, करेक्ट। और कितने घंटे लगे? 3 घंटे लगे आइटम टू को, बराबर ना। तो 6 में वो आइटम टू एंटर किया था, 3 घंटे बाद में कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट? 9 हो गया, करेक्ट। और जैसे ही मशीन टू कंप्लीट हुआ, मशीन सॉरी आइटम वन कब कंप्लीट हुआ? 9 आवर्स में कंप्लीट हुआ। तो बी क्या करेगा? वही टाइम पे सेकेंड आइटम है उसका काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो 9 + 6 कितना हुआ स्टूडेंट? 15।
तो 15 आवर्स में मेरा आइटम वन भी बन के रेडी हो जाएगा और आइटम टू भी बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम केस टू देखते हैं। केस टू में पहले मैं किससे स्टार्ट करूँगा, आइटम टू से स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, आइटम टू से स्टार्ट करूँगा, फिर वापस मिस्टेक थोड़ा सा, आइटम टू से स्टार्ट करूँगा। तो जब मैं आइटम टू से स्टार्ट करूँगा तो टाइम मेरा क्या होगा, जीरो, क्योंकि पहले कोई टाइम इनकर्ड नहीं हुआ। हमेशा जो स्टार्टिंग जो आइटम होता है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, ये रब कर देता हूँ ताकि वापस कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो मैंने आइटम टू से स्टार्ट किया जीरो, कितना टाइम लगा आइटम टू को कंप्लीट होने में, ए में 3 आवर्स लगा। तो 3 आवर्स के बाद में वो क्या आ जाएगा, आइटम टू आउट हो जाएगा, करेक्ट। फिर बाद में जैसे ही काम कंप्लीट होगा मशीन भी उसको कंडक्ट करेगा, तो ये 3 यहाँ पे आ गया। और मशीन आइटम टू को मशीन बी में कितना टाइम लगा, 6 आवर्स। तो 3 + 6 कितना हुआ स्टूडेंट, 9। तो इस तरीके से 9 हो गया। ओके, अभी जैसे ही आइटम वन को कंप्लीट, सॉरी आइटम टू को कंप्लीट किया मशीन ए ने, तो वो क्या करेगा, वो बैठा नहीं रहेगा, ऑन द स्पॉट आइटम वन हाथ में ले लेगा। जैसे ही 3 कंप्लीट हुआ तो आइटम वन के लिए 3 इनपुट हो गया। ठीक है, इन टाइम हो गया। और आइटम वन को कितना टाइम लगा मशीन ए में, मशीन ए में आइटम वन को 6 आवर लगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 + 6 टोटल कितना हो गया, 9, प्रॉपर। ठीक है, तो यह मेरा मशीन ए का दोनों काम हो गया। नेक्स्ट 9 जैसे हुआ ये कर देगा प्रोसेस बी में ट्रांसफर, और प्रोसेस बी में भी 9 पे कंप्लीट हो गया था, तो बी वेट नहीं करेगा। 9 जैसे ही 9 आवर्स हो जाएगी तो मशीन बी क्या करेगा, उसको आइटम वन को ले लेगा। जैसे आइटम वन को यहाँ पे लेगा तो कितना टाइम लगेगा, और उसको आइटम वन को कंप्लीट करने के लिए बी को 3 आवर्स। तो 9 + 3 = 12 आवर्स। तो आप देख सकते हो जो फाइनल आउटपुट है दोनों काम का, अगर मैं सेकेंड वाला मेथड यूज़ करता हूँ केस, तो मुझे 12 आवर लग रहे, और पहला वाला केस यूज़ करता हूँ तो मुझे 15 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो दोनों भी केस में कि अगर मैं ये वाला अप्रोच फॉलो करूँ, पहला आइटम टू को प्रोसेस करूँ फिर वन को प्रोसेस करूँ, तो यहाँ पे मेरे 3 आवर्स की बचत हो रही स्टूडेंट। ठीक है ना, एज वी कैन सी इन केस टू, टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब इज 3 आवर लेस एज कम्पेयर टू द केस वन, थस वी विल प्रीफर टू प्रोसेस द आइटम टू फर्स्ट एंड देन आइटम वन। इसलिए हम पहले टू को सेकेंड वर्क पहला लेंगे और बाद में फर्स्ट वर्क लेंगे। स्टूडेंट ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती है, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। ठीक है, ये तो हो गया स्टूडेंट दो मशीन का। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, कि जब 3, 4, 5, 6, 7 आइटम्स होगी, यहाँ पे तो 2 ही था, तो मैं 2 अलग अलग टेबल बना के कंपेयर कर लिया। जब बहुत सारी आइटम्स होगी तब हम क्या करेंगे, ओके, तो वो समय हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि जो आइटम ए है सबसे पहले देखेंगे जितने भी आइटम्स इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट पिकअप करेंगे। ठीक है ना, आपको सिंपल एग्जांपल से बता देता हूँ। ओके, तो हम क्या करेंगे सम सॉल्व करने के टाइम पे, सेम ऐसा एक टेबल तो बनेगा लास्ट में स्टूडेंट, हम क्या करेंगे देखेंगे कि जितने भी आइटम्स है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसको हाईलाइट करेंगे। ओके, जो पहली मशीन है, फर्स्ट मशीन, दो मशीन है यहाँ पे, मशीन ए और मशीन बी, जो पहली मशीन है उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट। जब हम नंबर अलोकेट करेंगे सीक्वेंस का, सीक्वेंस का एक टेबल बनेगा ऐसा स्टूडेंट। ठीक है ना, एक सीक्वेंस के लिए एक ऐसा टेबल बनाएंगे हम लोग, कितने आइटम्स हैं यहाँ पे, 2 आइटम्स है, करेक्ट, आइटम वन और आइटम टू। तो यहाँ पे दो ही है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, बट मशीन अलग अलग है। तो जो फर्स्ट मशीन है उसके लिए हम लोग मशीन ए के लिए हम लोग कैसे आ गए, मशीन ए के लिए जब देखेंगे हम नंबर अलोकेट करेंगे तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, और मशीन बी के लिए जब नंबर अलोकेट करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो मशीन ए में कौन सा है, सेकंड प्रोसेस है, मशीन ए में कौन सा है, सेकंड प्रोसेस है। तो मशीन ए में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा आइटम नंबर, ठीक है, और मशीन बी में सेकंड मशीन है, क्योंकि सेकंड मशीन है, मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग एन नंबर ऑफ जॉब्स के लिए भी वर्क करेंगे और सिक्वेंस इजिली फाइंड आउट करेंगे।
जब ज़्यादा आइटम्स होंगे तभी ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं होगा स्टूडेंट, हर टाइम हम लोग अलग अलग अल्टरनेटिव देख के नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, पहली मशीन के लिए लेफ्ट टू राइट जाना है, सिक्वेंसिंग ऑर्डर के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और लेफ्ट टू राइट जाना है, ठीक है। और मशीन बी के लिए लेफ्ट टू, सॉरी मशीन ए के लिए लेफ्ट टू राइट और मशीन बी के लिए राइट टू लेफ्ट, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत सिक्वेंसिंग समझ में आया होगा। सिक्वेंसिंग का मेन मोटिव यही है स्टूडेंट कि हमें ऑर्डर डिसाइड करनी होती है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।